हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। लास्ट लेक्चर में सब ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ में मैंने आपको सब ग्रुप की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी सबसेट जो है वो सब ग्रुप कब बन सकता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई दो एलिमेंट्स ए बी जो है उस सबसेट से चूज करते हो और अगर ए बी इन्वर्स करने पर वो वापस उसी सबसेट में चला जाता है तो वो जो सबसेट होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो वो जो थ्योरम थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसी का ही हम आगे भी यूज़ करेंगे थ्योरम्स को प्रूफ करते टाइम, और आज के इस लेक्चर में भी हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जैसे टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को ही देख लेते हैं। लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन दी सेट एच के डिफाइंड बाय। अब देखो, मैं यहाँ पर सेट की बात कर रहा हूँ, सेट एच के डिफाइंड बाय एच के इज इक्वल टू स्मॉल एच स्मॉल के फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू के इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द सब ग्रुप एच एंड के। देखो, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है ये। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा सब ग्रुप्स का वो एच के होगा, और एच के में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, स्मॉल एच स्मॉल के कैसे आएंगे, जो एच होगा वो एच को बिलोंग करेगा और जो के होगा वो के को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर एच वन के वन जो है, कोई दो एलिमेंट्स हैं मेरे पास ऐसे हैं कि जो एच वन है वो एच में जा रहा है और जो के वन है वो के में जा रहा है, तो अगर मैं एच वन के वन करूंगा तो वो एच के में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे होंगे वो सारे एलिमेंट्स। तो एच वन अगर एच में है और जो के वन के में है तो एच वन के वन एच के में चला जाएगा, और जो एच के होता है वही प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशन थी, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैंने यहाँ पर बोला था कि ये सेट होगा, ठीक है, सेट एच के। अब मैंने इसको सब ग्रुप नहीं बोला है या मैंने इसको ग्रुप नहीं बोला है, तो अभी मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप प्रोडक्ट करोगे ना किन्हीं दो सब ग्रुप्स का, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी सब ग्रुप ही आए जी का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी सब ग्रुप ही बने, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स है वो सब ग्रुप हो भी सकता है ग्रुप जी का, और वो सब ग्रुप नहीं भी हो सकता है। तो अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि वो सब ग्रुप कब बनेगा, मतलब जो यहाँ पर जैसे एच के है ये सब ग्रुप कब होगा। तो ये सब ग्रुप तभी होगा जब एच के इजिकल टू के एच होगा। ठीक है, एच के इजिकल टू के एच होगा, ये सब ग्रुप तभी बोला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इजिकल टू के एच। ठीक है, ये सब ग्रुप तभी बनेगा जब एच के जो होगा वो के एच के इक्वल होगा। तो आई होप अब आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो चुकी होगी। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं एक थ्योरम, और जो थ्योरम है वो यही है एक्चुअल में कि एच और जो के हैं वो मेरे पास कोई दो सब ग्रुप हैं जी के, और जो एच के है वो सब ग्रुप होगा जी का तभी इफ़ एंड ओनली इफ जब एच के होगा वो के एच के इक्वल होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो इसी थ्योरम के प्रूफ को अभी हम करने वाले हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को लिख दिया है। थ्योरम है मेरे पास, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक है, अब यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो अब हम इसके जब प्रूफ को करेंगे तो हम यहाँ पर इसको नेसेसरी एंड सफिशियंट पार्ट्स में करेंगे। बट इस थ्योरम के प्रूफ को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वो जो होगा वो इस थ्योरम के प्रूफ को करते टाइम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये ए और जो बी हैं ये दोनों कोई सेट्स हैं, ठीक है, ये दोनों सेट्स हैं। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जो दो सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब जो जैसे यहाँ पर ए और बी है ना, जब ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेन होंगे और जो बी के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो ए में कंटेन होंगे, तभी ए और जो बी हैं वो एक दूसरे के इक्वल बोले जाएंगे। मतलब जो ए के जो ए सेट है वो अगर बी में कंटेन होगा और जो बी सेट है वो अगर ए में कंटेन होगा, अगर ए बी में कंटेन है और बी जो है वो ए में कंटेन है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो ए होगा वो बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस हम इसी का ही यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअल में जो एच के है, मैंने अभी आपको बोला कि ये एक सेट ही है, ये प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप होता है, ये सेट ही होता है, और ये सब ग्रुप तभी होगा जब एच के जो होगा वो के एच के इक्वल होगा। तो मतलब जो एच के है वो एक सेट है और आपने इसको के एच के इक्वल बताना है, मतलब आपने दो सेट्स को एक दूसरे के इक्वल बताना है। तो आपने यहाँ पर इसी का ही यूज़ करना है, आपने एक को दूसरे में कंटेन बताना है फिर दूसरे को पहले वाले में कंटेन बताना है, तो यहाँ पर ये दोनों जो वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा अगर किसी भी थ्योरम में, अगर आपने कहीं दो सेट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना है, दो सेट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना है, तो आप वहाँ पर ऐसा ही करोगे, मतलब आप एक को दूसरे में कंटेन बताओगे और दूसरे को आप पहले वाले में कंटेन बताओगे। इसी क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर आपने सेट को एक दूसरे के इक्वल शो करना हो। ठीक है, ये वाली बात समझ गए आप। ऐसा ही मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपने किन्हीं दो एलिमेंट्स के ऑर्डर को एक दूसरे के इक्वल शो करना है तो आपने क्या करना है, आपने
उनको एक दूसरे के डिवाइड कर रहे हैं, आपने ऐसा उसको बता देना है। मतलब मैंने आपको वो पहले बताया था कि अगर n जो है वो m को डिवाइड करता है और अगर m भी जो है वो n को डिवाइड कर रहा है तो n इज इक्वल टू m हो जाएगा ना, ये सब कुछ मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये जब आपने किन्हीं दो ऑर्डर्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना होता है ना एलिमेंट्स के, तब हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, इसलिए मैं आपको ये साथ साथ में बता रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह से समझा कीजिए। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था ये एक दूसरे में हमने पहले कंटेन बताने हैं, और ये जो है ये एक दूसरे में कंटेन कैसे होंगे। देखो जो ए है वो बी में कंटेन कब होगा, जब मैं कोई एलिमेंट ऐसे ही चूज़ करता हूँ ए से, अगर मैंने एक्स को चूज़ किया ए से और वही एक्स जो है वो बी में भी अगर आ जाता है, मतलब अगर वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक्स जो था वो ए से चूज़ किया था और वही एक्स जो वो बी में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो कंटेन है बी में। ये वाली बात भी समझ गए ना आप। तो बस हम अभी इसी का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रूफ करते टाइम, तो जल्दी से हम इसके प्रूफ को करते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नेसेसरी पार्ट एंड सुफिशियंट पार्ट्स में इसको सोल्व करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो मेरे पास दिया हुआ है, इफ़ एच एंड के आर दी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, ये मेरे पास एक कॉमन स्टेटमेंट है, ये नेसेसरी पार्ट के लिए भी यूजफुल होगी और ये सुफिशियंट पार्ट के लिए भी यूजफुल होगी। अब नेसेसरी पार्ट में मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एच के जो है वो सब ग्रुप है जी का, मैं ऐसा मान लूंगा, और एच के जो है वो के एच के इक्वल है, फिर ऐसा इसको प्रूफ करूंगा। एंड सुफिशियंट पार्ट में मैं क्या करूंगा कि एच के जो है वो के एच के इक्वल है ऐसा इसको मान लूंगा, और एच के जो है वो सब ग्रुप है जी का ऐसा इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने नेसेसरी एंड सुफिशियंट पार्ट को कैसे सोल्व करना होता है। तो अभी हम प्रूफ में ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट एच एंड के आर दी सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, अब हम करेंगे इसके नेसेसरी पार्ट को, नेसेसरी पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट में आपने सबसे पहले क्या मानना है कि जो एच के है, मैं इसको लिख देता हूँ, लेट एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी। इसी स्टेटमेंट को आप यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी सच दैट एच के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये जो एच के है वो सब ग्रुप है जी का, सबसे पहले हमने ऐसे इसको मान लिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमने प्रूव करना है कि जो एच के है वो के एच के इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है। तो जैसा मैंने अभी आपको ये जो बताया, सिमिलरली मैं ऐसा ही यहाँ पर प्रूफ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि कोई एक एलिमेंट लेना है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा होगा, इन दोनों में से किसी एक सेट से, पहले मैंने कुछ ऐसा लेना है। तो अभी मैं मान रहा हूँ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच के को। ठीक है, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच के को, और अब मैंने बताना है कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा के एच को भी, तभी ये एक दूसरे में कंटेन होंगे ना। तो अभी एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच के को, एंड एच के क्या है यहाँ पे, ये सब ग्रुप है जी का। अब एच के जो है वो सब ग्रुप है ना जी का, तो यहाँ पर इसके हर एक एलिमेंट का तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, वो आप यहाँ पे लिख देना, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर इन्वर्स ऑल्सो एग्जिस्ट ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच के। ठीक है, इन्वर्स भी यहाँ पर इसको बिलोंग करेगा। अब एक्स इन्वर्स जो वो एच के को बिलोंग कर रहा है, और एच के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, स्मॉल एच स्मॉल के फॉर सम एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू के। ठीक है, तो अभी मैं एक्स इन्वर्स को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इन्वर्स कैसे दिखेगा, कुछ एच के की तरह दिखेगा, फॉर सम एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू के। ठीक है, सिंपल सी जो डेफिनेशन थी मैंने उसी का यहाँ पर यूज किया। तो अभी एक्स इन्वर्स जो है वो कुछ ऐसे दिख रहा है। तो अब अगर मैं एक्स इन्वर्स का इन्वर्स करता हूँ, एक्स इन्वर्स का इन्वर्स करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच के का इन्वर्स। अब ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐसे इन्वर्स करोगे तो वो क्या आ जाता है, के इनवर्स एच इनवर्स, एच के का इनवर्स क्या जाता है, के इनवर्स एच इनवर्स। तो यहाँ पर आ गया के इनवर्स एच इनवर्स ना, और एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ये भी मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में बताया था कि जो एलिमेंट्स अगर आप उसके इनवर्स का फिर से इनवर्स करते हो तो आपके पास वापस फिर से वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स। अब ये जो के इनवर्स एच इनवर्स है ये बिलोंग करेगा के एच को। देखो क्यों, क्योंकि जो के था ना हमारे पास, देखो के जो था वो के को बिलोंग कर रहा था, और जो के है वो तो सब ग्रुप है जी का, यानी कि इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो के का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो के इन्वर्स के को बिलोंग करेगा, सिमिलरली एच इन्वर्स जो है वो एच को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो के इन्वर्स है वो के को बिलोंग कर जाएगा, और जो एच इन्वर्स है वो एच को बिलोंग कर जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है के एच को। अब देखो एक्स जो था वो मैंने एच के से लिया था, और एक्स जो वो के एच को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज एच के इज कंटेन्ड इन के एच। ठीक है, एच के इज कंटेन्ड इन के एच, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ। अभी यही सेम प्रोसेस मैं फिर से करने वाला हूँ, कोई एक्स मैं लूंगा जो कि के एच से बिलोंग कर रहा है, और उसको प्रूफ करूंगा कि वो एच के में भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर जो के एच होगा वो कंटेन कर जाएगा एच के में, फिर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो अभी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ,
तो अब यहां पर आ जाएगा लेट नाउ जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है के एच को, ठीक है। अभी मैंने मान लिया कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है के एच को, तो अब ये जो एक्स है ये किस तरह से दिखेगा, क्योंकि के एच को बिलोंग कर रहा है तो एक्स कैसे दिखेगा, स्मॉल के एंड स्मॉल एच की तरह, क्योंकि जो के है वो के को बिलोंग कर रहा है और जो एच है वो एच को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मैं अगर एक्स इन्वर्स करता हूँ, एक्स इन्वर्स करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, के एच का इन्वर्स दैट इज इक्वल टू एच इन्वर्स के इन्वर्स, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एच इन्वर्स के इन्वर्स। अब ये जो एच इन्वर्स के इन्वर्स है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है एच के को बिलोंग, ठीक है ना, एच के को बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज एक्स इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा एच के को। अब अगर एक्स इन्वर्स जो वो एच के को बिलोंग कर रहा है और जो एच के है वो तो सब ग्रुप है, तो इसके हर एक एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक्स इन्वर्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप इसका इन्वर्स करोगे तो एक्स इन्वर्स का इन्वर्स क्या जाता है मेरे पास, एक्स ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच के। अब देखो जो एक्स था वो मैंने के एच से लिया हुआ था और जो एक्स है वो एच के में बिलोंग कर गया है, विच इम्प्लाइज के एच जो है वो कंटेन हो गया एच के में, ठीक है। सिंपल सा जो मैंने आपको साइड में पहले बताया था उसी का ही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू मान लिया। अब अगर आप इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को देखोगे तो आपके पास आ जाएगा एच के इज इक्वल टू के एच, ठीक है। यही तो हमने नेसेसरी पार्ट में प्रूफ करना था, तो अभी हमने इसको नेसेसरी पार्ट को प्रूफ कर दिया। आई होप अभी आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसके सफिशियंट पार्ट को करूंगा, और सफिशियंट पार्ट में मैं क्या करूंगा कि एच के इज इक्वल टू के एच है और अब मैंने प्रूफ करना है कि जो एच के है वो सब ग्रुप है जी का। तो अभी मैं सफिशियंट पार्ट को करता हूँ। तो अभी सफिशियंट पार्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, सपोज एच के सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट एच के इज इक्वल टू के एच। अभी हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव मैंने प्रूफ करना है कि जो एच के है वो सब ग्रुप है जी का, ठीक है, जो एच के है वो सब ग्रुप है जी का। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो एच के है मैंने उसको सब ग्रुप बताना है जी का, और जो एच के है वो क्या है यहाँ पे सेट है। तो किसी भी सबसेट को या सेट को मैंने किसी का अगर सब ग्रुप बताना है तो उसमें मैंने आपको बोला था आपने कौन सी थ्योरम का यूज करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम कराई थी सब ग्रुप्स में, तो आपने उसी थ्योरम का यहाँ पर यूज करना है। सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, आपने हर एक क्वेश्चन में जहां पर सब ग्रुप अगर आपने किसी को प्रूफ करना है तो वहां पर आप उसका यूज कर सकते हो। और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था वो आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एच के को ही आपने सब ग्रुप बताना है, तो आप कैसे बताओगे इसको, आपने कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं ए बी जो कि बिलोंग करेंगे एच के को, और अगर ए बी इनवर्स जो है वो भी बिलोंग कर जाता है एच के को, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एच के, तो ये जो एच के होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा जी का, ठीक है, जो एच के है वो सब ग्रुप बन जाएगा जी का। तो अभी हम इसी को ऐसे ही प्रूफ करने वाले हैं। मैं यहाँ से कोई दो एलिमेंट लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच के, बी टू एलिमेंट्स, बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लेते हैं, बी टू अरबी एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स जो वो एच के से मैंने कंसिडर कर लिए हैं। अब ये दोनों जो है वो ये दोनों एच के को बिलोंग कर रहे हैं, तो अब ये दोनों एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, ए जो है वो कैसे दिखेगा एच वन के वन की तरह दिखेगा ना, एच वन के वन की तरह, और जो बी होगा वो कैसे दिखेगा एच टू के टू की तरह, ठीक है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी इनवर्स है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, मतलब मैंने एच के को बिलोंग कर रहा है ऐसा शो करना है ना, तो अभी मैं पहले ए बी इनवर्स ही निकालूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है एच वन के वन, बी की वैल्यू है एच टू के टू, तो यहाँ पर एच टू के टू और मैंने बी का करना है इनवर्स, तो इसका हो जाएगा इनवर्स विच इज इक्वल टू एच वन के वन, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा के टू इनवर्स, जो लास्ट में होता है वो पहले आ जाता है ना इनवर्स होके, और यहाँ पर आ जाएगा एच टू इनवर्स, ठीक है, एच वन के वन के टू इनवर्स एच टू इनवर्स। अब ये सभी हैं ग्रुप के एलिमेंट्स, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी करेगी ना, तो यहाँ पर इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर के है ना ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर यहाँ पर ये जो है इसको ऐसे कर देता हूँ, तो यानी कि यहाँ पर जो ए बी इनवर्स की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है एच वन के वन एंड के टू इनवर्स एंड एच टू इनवर्स, ठीक है, यह ही मेरे पास वैल्यू। अब अगर आप इतने इतने वाले पार्ट को देखोगे, इतने इतने वाला पार्ट कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताना क्या है कि जो ए बी इनवर्स है वो एच के को बिलोंग कर रहा है, तो अभी मैंने यहाँ पर इन एलिमेंट्स को कुछ ऐसा बताना है कि ये सभी एच के को बिलोंग कर जाएंगे, तो अभी मैं कुछ वैसा ही करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, एच के इज इक्वल टू के एच, मतलब यहाँ पर ये मेरे पास दिया हुआ था, तो अभी मैंने इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है ना, तो अभी मैं इसका यूज़ यहीं पर ही करने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं इन्हीं तीन एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, नाउ ये जो एलिमेंट्स हैं के वन के टू का इनवर्स
एंड एच टू इनवर्स, ये कहाँ पर बिलोंग करेंगे? देखो ये बिलोंग करेंगे के वन के टू, है ना, यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स हैं तो ये ऑपरेट होकर ये के में ही जाएंगे ना, और ये जो एच टू इनवर्स है ये एच में जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट्स जो वो के एच में जाएंगे, ठीक है, ये के एच में चले जाएंगे ना। अब ये एलिमेंट्स जो हैं ये के एच में जा रहे हैं, और के एच जो है वो एच के इक्वल है, के एच जो वो एच के इक्वल है ना, तो यानी कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो एच के में भी जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के वन के टू इनवर्स, विच इम्प्लाइज है एच टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, बिकॉज एच के इज इक्वल टू के एच, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एच के को बिलोंग कर रहे हैं, अब ये एच के को बिलोंग कर रहे हैं तो एच के एक्चुअल में एलिमेंट्स होते कैसे हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एच और के, मतलब स्मॉल एच स्मॉल के, इस टाइप के होंगे ना एलिमेंट्स, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी कुछ इसी तरह से दिखेंगे, मतलब जो के वन के टू का जो इनवर्स एंड एच टू का जो इनवर्स है ये किसकी तरह दिखेगा? एच थ्री के थ्री की तरह, एच थ्री के थ्री की तरह दिखेगा ना, क्योंकि एच के को बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर मैंने जो ऊपर ली हुई थी यहाँ पर अगर मैं एच थ्री के थ्री भर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच वन, पहले से था मेरे पास एच वन आ जाएगा, एंड आगे क्या आ जाएगा मेरे पास? एच थ्री के थ्री, विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? देखो जो एच वन है ना और यहाँ पर एच थ्री है, एच वन एच थ्री कहाँ पर बिलोंग कर जाएगा? एच को, और जो के थ्री है वो के को बिलोंग कर जाएगा, तो यानी कि ये किसको बिलोंग कर जाएगा? ए बी इनवर्स एच के को, ठीक है ना, एच के को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो एच थ्री था ना वो एच को बिलोंग कर रहा था एंड जो के थ्री था वो के को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये सब कुछ एच के को बिलोंग कर जाएगा। अब ए बी इनवर्स जो वो एच के को बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल मैंने कहाँ से चूज किए थे? ए और बी, ये मैंने किए थे एच के से चूज, ठीक है। तो अभी ये थ्योरम वन के अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि जो एच के है वो सब ग्रुप बन गया है जी का, एच के इज दी सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। और यही मैंने प्रूफ करना था यहाँ पर सफिशियंट पार्ट में। तो आई होप आपको ये जो प्रूफ है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, मैंने इसमें बहुत सी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं ये आगे भी ग्रुप थ्योरी में यूज़ होती रहेंगी, तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो एच के इज इक्वल टू, मैं के एच बोल रहा हूँ, एच के इज इक्वल टू जो के एच मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एच का हर एक एलिमेंट जो है वो के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेट कर रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कम्यूटेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि फॉर ईच एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू के एंड के बिलोंगिंग टू के, यहाँ पर जो एच के होगा वो इक्वल टू होगा के वन एच वन फॉर सम के वन बिलोंगिंग टू के एंड एच वन बिलोंगिंग टू एच, ठीक है। इस बात के मतलब को आप समझ गए ना, फॉर ईच एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू के, जो एच के होगा वो सम के वन एच वन के इक्वल होगा, जो के वन है वो के को बिलोंग करेगा और जो एच वन है वो एच को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो एच के है एक दूसरे के साथ ही कम्यूटेट कर रहा है। तो अभी आप एच के और के एच के मतलब को भी समझ चुके होंगे। अब अगर जो जी जो ग्रुप है अगर वही अबेलियन है जिसका आप ये सारे के सारे जो सब ग्रुप आप उसी को ही लेके कर रहे हो ना, तो अगर जो मेन ग्रुप जो जी है अगर वही अबेलियन है, ठीक है, जी ही अगर अबेलियन है तो जो एच के होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा जी का। अगर जी ही अबेलियन है तो जो एच के होगा वो सब ग्रुप होगा जी का, फॉर एच के इज इक्वल टू के एच, ठीक है। अगर ये अबेलियन होगा तो एच के जो है वो सब ग्रुप होगा जी का, फॉर एच के इज इक्वल टू के एच। तो ये तो थी छोटी छोटी सी बातें, अभी आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हमने जो अभी प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप किया, अगर ये ग्रुप जो है इसका अगर हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, जो एच के होगा इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका जो ऑर्डर होता है वो इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एच के का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये वाली भी एक थ्योरम है, इसका भी प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये जो मतलब स्टेटमेंट होती है एक टाइप की यही बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो एच और जो के होते हैं ये अगर फाइनाइट सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच के जो होता है वो ऐसे ही डिफाइन होता है, तो आप इसका ध्यान रखना। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर उनको नोट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।